कई विद्वान कई लेखक इस गल का जिक्र कर देंगे है कि दमदमी टकसाल का कोई बहुता इतिहास सुन पढ़न पुराने ग्रंथां विच बहुत घट मिलता मिलता ही नहीं है। पर सात संगत जी जदों असी ध्यान नाल इतिहास की खोज नहीं ना करते फिर इन्हां गल्लां दीआं शंकावां ते तौखले साडे मन विच सुभाविक पैदा हुंदे है और कई जानबुझ के ऐसियां शंकावां पैदा करदे है। जिन्ने गुर इतिहास हन सारिआं विच ही दमदमी टकसाल दे इतिहास दा जिक्र है। जदों नौवें पातशाह जी इत्थे आए सन उदों सतगुरु जी दी इक मालवा देश रटन की साखी एक हथ लिखत पोथी सतगुरु जी दी गुरसिख नाल नाल लिखदे सन केड़े नगर विच गए उत्थे की बचन कीते संगतां नूं की उपदेश दिता ओ पोथी नाल नाल लिखी गई। उस दी संपादना डॉक्टर भाई वीर सिंह जी ने कीती है। उहदे विच नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहब जी इसे तख्त साहब जी दे स्थान ते खब्बे पासे मंजी साहब है तख्त साहब जी दे इत्थे बैठ के सतगुरु जी ने बचन कीते सन कि इस अस्थान उत्ते साडे बहुत वड्डे वड्डे गुणी ज्ञानी लेखक और विद्वान पैदा होणगे। ये बचन सतगुरु जी उदों करके गए उहदे विच बहुत विस्थार नाल एक अंग पूरा लिखिया होया है और मालवा देश रटन की पोथी नौवें पातशाह जी का जो सारा मालवे देश का वृतांत उहदे विच संखेप रूप दे विच अंकित है उहदे विच भी यह जिक्र आया है। और भाई स्वरूप दास भल्ला जिन्हां ने महिमा प्रकाश लिखिया श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ तो पहला दा इतिहास है उस विच भी इत्थों बारे कि इत्थे बहुत वड्डे वड्डे ज्ञानी विद्वान और लेखक इस तख्त उत्ते गुरु की कांशी दे विच पैदा होणगे। और गुरबिलास पातशाही छेवीं विच भी धन गुरु हरगोबिंद साहब जी दे ऐसे वरदान टकसाल चलण दे बचन और इत्थे विद्वान पैदा होण दे बचन गुरबिलास पातशाही छेवीं विच छेवें पातशाह जी द्वारा अंकित किते होए है। गुरबिलास पातशाही दसवीं दोनों ही जिहड़े है उहनां विच वी इह जिक्र आउंदा है। श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ विच भी भाई संतोख सिंह जी ने इस जथेबंदी दे वृतांत दा संखेप रूप दे विच जिक्र कीता है। प्राचीन पंथ प्रकाश दे करता भाई रतन सिंह जी भंगू ने भी जिक्र कीता है। और इत्थे बस नहीं ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने तवारी गुरु खालसा विच भी और इसी तरह पंथ प्रकाश दे विच भी उन्होंने सारा जिक्र किया। समा नहीं है मैं संखेप रूप विच ही बेनती कर रहा। और भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा ने भी महान कोश दे विच ये सारा संखेप रूप दे विच जिक्र किया कि अपनी आत्म सत्या नाल सतगुरु जी ने कंठों सारी बाणी उचारण करके श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप इस स्थान ते लिखवाया और इत्थे ही दमदमी टकसाल नूं ओह संप्रदाय ज्ञानियां करके लिखदे है। असले दमदमी टकसाल संस्था है जथेबंदी है संप्रदावां कई वारी गुरसिखां दी कमाई नाल चल पैंदियां हन और कई वारी समाप्त भी हो जांदियां हन। जिहड़ियां जथेबंदियां और संस्थावां हुंदियां हन ये गुरु काल तो स्थापित कीतियां हन और जिन्ना चिर तक संसार रहेगा उन्ना चिर तक ये संस्थावां सदा रहणगियां। ये दमदमी टकसाल जथेबंदी है ये संस्था है ना कि संप्रदाय नहीं है। लिख जरूर दिता गया कई थावां दे उत्ते पर खालसा जी ये गल दा ध्यान रखण दी सानू लोड है। भाई कान सिंह जी नाभा ने भी जिक्र कीता है और इस तरह पंजाबी विश्वकोश के विच भी होर थावां ते भी
लगभग पुरातन सारे इतिहासां विच दमदमी टकसाल की स्थापना का किसी ना किसी रूप दे विच यह सारा जिक्र किया होया होया। इस करके मैं ताज संखेप बेनती की है, कई वेरी गलत शंका गलत भुलेखे पैदा किए जाते हैं, आखिर दमदमी टकसाल का तो जी इतिहास ही नहीं मिलता, ये बहुत वड्डी गलत एक धारणा बनाई हुई है।